आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूँ कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा, आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित हुए। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। तुम बात नहीं समझे, सोए हुए हो। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं। तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उधर देखो भैया, पाकिस्तान में क्या हो गया, ओ भैया उधर देखो, अमिताभ बच्चन ने नया डांस मारा, वो देखो भैया, वो प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया, पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।